सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल तिवारी एंड यू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहाँ पर कुछ दिन पहले मैंने आपसे बात किया था इन्फिनिक्स के एक अपकमिंग पॉपअप सेल्फी कैमरा वाले स्मार्टफोन के बारे में, जो कि यहाँ पर अंडर 10,000 10,000 के नीचे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला था। और यहाँ पर उसके बाद एक अपडेट आई थी कि ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर इन्फिनिक्स का हॉट 9 होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया था वीडियो बना के। लेकिन दोस्तों, आज यहाँ पर एक नई अपडेट निकल करके आई है, जिससे यहाँ पर ये जो इन्फिनिक्स का पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला जो स्मार्टफोन है, जो कि बजट रेंज में यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलने वाला है, वो यहां पर कंफर्म हो गया है। लेकिन दोस्तों, यहां पर ये जो अपडेट निकल करके आ रही थी वो यहां पर लीक्स के बेसिस पे निकल करके आ रही थी, जिससे काफी सारे लोगों को यहां पर मतलब डाउट हो रहा था कि हो सकता है ये जो अपडेट है वो यहां पर फेक है, या फिर ये खबर यहां पर फेक है कि इन्फिनिक्स अपना एक पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला स्मार्टफोन यहां पर लेकर के आने वाला है। लेकिन दोस्तों, फाइनली यहां पर आज एक अपडेट यहां पर निकल करके आ चुकी है और यहां पर इन्फिनिक्स का पहला पॉपअप सेल्फी वाला कैमरा वाला जो स्मार्टफोन है वो यहां पर कंफर्म हो चुका है। दोस्तों, आज यहां पर एक अपडेट निकल करके आई है इसी नए इन्फिनिक्स के अपकमिंग पॉपअप सेल्फी कैमरा वाले स्मार्टफोन को लेकर के। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैं आपको प्रूफ भी यहां पर दिखा दे रहा हूं, यहां पर साफ लिखा हुआ है कि इन्फिनिक्स बहुत ही जल्दी अपना एक पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला स्मार्टफोन लेकर के आने वाला है। लेकिन यहां पर इन्फिनिक्स का ये कौन सा फोन होने वाला है, क्या कुछ फीचर्स इसमें यहां पर हमें देखने के लिए मिलेंगे, इसके ऊपर हालांकि कोई भी अपडेट यहां पर अभी निकल करके नहीं आई है, कोई भी कंफर्मेशन निकल करके नहीं आई है। लेकिन यहां पर इन्फिनिक्स बहुत ही जल्दी अपना एक पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला स्मार्टफोन यहां पर लॉन्च करेगा बजट रेंज में, दो कि अंडर 10,000 हमें यहां पर देखने के लिए मिलेगा। और यहां पर ये जो इस स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले होगा उसमें बेजल्स आपको बहुत ही कम यहां पर देखने के लिए मिलेंगे, ना तो यहां पर नॉच होगा और ना ही यहां पर कोई भी यहां पर पंच होल डिस्प्ले डिजाइन वगैरह देखने के लिए मिलेगा। यहां पर ये जो स्मार्टफोन है वो एक इन्फिनिक्स का फर्स्ट पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला स्मार्टफोन यहां पर होने वाला है, जैसा कि आप यहां पर नीचे देख सकते हैं, साफ यहां पर लिखा हुआ है। और यहां पर मैं बात करता हूं इस स्मार्टफोन की कुछ डिटेल की, तो यहां पर अगर बात करता हूं इस स्मार्टफोन के रियर कैमरे की, तो यहां पर बताया गया कि ये जो स्मार्टफोन है वो एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ यहां पर देखने के लिए मिलेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर 10,000 के नीचे फोन है तो हम यहां पर क्वाड कैमरा को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि यहां पर दिखाया गया है, यहां पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप पीछे की साइड यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है। और यहां पर ये जो स्मार्टफोन होगा वो काफी अच्छा यहां पर निकल करके आने वाला है, क्योंकि यहां पर ये पहला स्मार्टफोन यहां पर इन्फिनिक्स तरफ से होने वाला है जिसमें आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा यहां पर देखने के लिए मिलेगा। और साथ में ये जो स्मार्टफोन है वो अंडर 10,000 10,000 के नीचे यहां पर बजट सेगमेंट में आपको जो स्मार्टफोन है वो यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है। अब यहां पर देखना यह है कि ये जो स्मार्टफोन है कब तक यहां पर लॉन्च होता है। लेकिन जैसा कि दोस्तों, यहां पर मुझे लगता है कि ये जो स्मार्टफोन है वो 2020 के स्टार्टिंग में, यानी 2020 के स्टार्टिंग जनवरी से लेकर के फरवरी के बीच में यहां पर लॉन्च हो सकता है इन्फिनिक्स तरफ से। अब यहां पर देखना यह है कि जो स्मार्टफोन है कब तक यहां पर फाइनली निकल करके आता है। दोस्तों, ये थे कुछ अपडेट यहां पर इन्फिनिक्स के नए अपकमिंग पॉपअप सेल्फी कैमरा वाले स्मार्टफोन को लेकर के। काफी सारे लोगों को यहां पर डाउट हो रहा था, तो फाइनली जो अपडेट है वो आज यहां पर निकल करके आ चुकी है। यहां तक कुछ इस वीडियो में, आशा करता हूं छोटी जानकारियों के सामने आगे होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट से जो कर दीजिएगा। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।